ਸਾਰਾ ਖਲਾਫੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਪੈਸਿਸਟਾ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਓ। सीधे तौर पे चेतावनी है, अगर 35400 की मांग को लेकर सरकार बुलाती है ठीक, नहीं तो नमस्कार। इस वक्त हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे करनाल के जिला सचिवालय में, जहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। इनसे हम बातचीत भी करेंगे और आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए, आज हरियाणा मिनिस्ट्री स्टाफ एसोसिएशन जो संबंधित सौ कर्मचारी संघ हरियाणा है, उनकी मांग मुद्दे जो कलरकों के जिनका वादा खिलाफी सरकार ने की है, 35400 का खुद का मुद्दा जब पूरे हरियाणा में कर्मचारी कलरकों के द्वारा उठाया गया, सौ कर्मचारी संघ ने मांग उठाई, तो उस समय इन्होंने अपने कहीं ना कहीं घोषणा पत्र में कहा कि हम 35400 को तुरंत लागू करेंगे। लेकिन आज कलरकों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया, कहीं ना कहीं पंजाब के समान वेतनवान किन की जो बात करते थे उसके साथ कहीं ना कहीं धोखा गया। इसलिए आज सौ कर्मचारी संघ हरियाणा से संबंधित हरियाणा मिनिस्टर स्टाफ एसोसिएशन है जो पूरे प्रदेश में तमाम मुख्यालयों पर जाकर ये उनका समर्थन करते हुए ज्ञापन दे रही है कि कहीं ना कहीं इस 35400 को तुरंत लागू करने का काम करें, अन्यथा हरियाणा मिनिस्टर स्टाफ एसोसिएशन के तमाम हर विभागों का कलर्क भी कहीं ना कहीं बुधवार से पूर्णतः हड़ताल पे जाएगा, जो चार दिन की अभी तक हड़ताल उन्होंने रखी है। इसलिए आज ये हड़ताल का नोटिस भी है और ये ज्ञापन भी है हरियाणा मिनिस्टर स्टाफ एसोसिएशन की तरफ से, कलर्कों की तरफ से, कि कहीं ना कहीं सरकार तुरंत अपनी मांग उनकी खुद की जो घोषणा है उसको लागू करे, अन्यथा सौ कर्मचारी संघ हरियाणा भी जो हड़ताल चल रही है, जो कहीं ना कहीं पूरे देश में पूरे प्रदेश में जो एक ये मुद्दा है 35400 कलर्क में एक अहम मुद्दा बने हुए हैं, उसको लेकर आज तमाम पूरे प्रदेश में सौ कर्मचारी संघ हरियाणा की जो मिनिस्टर ऑफ एसोसिएशन ने मांग करती है कि कहीं ना कहीं जल्द से जल्द मुख्यमंत्री इसको बातचीत करने के लिए बुलाए, 35400 को लागू करे, अन्यथा चार दिन की लगातार हड़ताल करी जाएगी। अगर ऐसा नहीं होया, 35400 लागू नहीं होया, तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन भी कर दी जाओगी, ऐसी घोषणा आज सौ कर्मचारी संघ की तरफ से और मिनिस्टर ऑफ एसोसिएशन कर रहे हैं आज, इसलिए नोटिस आपके बीच में देने के लिए। बिल्कुल, ये रेगुलर परमानेंट है सारे और ये खुद का इनके घोषणा पत्र में है भाजपा सरकार की कि जब सरकार आएगी हम 35400 को लागू करेंगे। तो इस तरीके की मांग है, ये मांग कोई पुरानी नहीं है। अभी क्या वेतन है इनका सर? अभी 1900 का नौ। तो मतलब क्या लगता है सर, इनके पास तो सरकारी जॉब भी है, बहुत से ऐसे लोग भी जिनके पास जॉब भी नहीं है, प्राइवेट हो चाहे कोई भी जॉब की अगर बात करें, आज जो सरकारी कर्मचारी किसी विभाग की आप लगा के चलो, काम का बोझ कितना है, लगातार कार्य का बोझ बढ़ता जाने लग रहा है, विभागों में कर्मचारी नहीं है। कलरकों का बोझ आप देख लो, चाहे ऑनलाइन के काम आप किसी भी कलरक को उठा के देख लो, आप कलरक छोड़ो किसी भी विभाग में चले जाओ, किसी डिपार्टमेंट में जाके देख लो, कर्मचारियों के ऊपर इतना बोझ और ऊपर से लगातार जो सरकार की तानाशाही आए दिन जो फरमान जारी कर रहे हैं, इस अवैज में एक वेतन तो बहुत दूर की बात, आप उनको अगर जीवन शैली अगर उनको देखा जाए, वो जीवन बाज कहीं ना कहीं दुष्भार उनका जो कर्मचारियों को रहा है। तो इसलिए जो ये वेतन की मांग है, ये वेतन कोई ऐसा नहीं कि हमने कोई घर से अपना बनाए रखे था, ये वेतन इसलिए बनाया गया था कि कहीं ना कहीं 35400 की मांग करके कि एक अलग तो एक जो सम्मानजनक वेतन उसका बनता है, इसीलिए मांग ये उन्होंने खुद मानी है। आज भाजपा सरकार जो ये कहती है, जो इतने दिन से इसको लगातार लागू नहीं करी है, इनकी खुद का घोषणा पत्र में आई 35400 के हम लोग लागू करेंगे, तो ये कोई बाहर से थोड़ी है सर। आज ये कल रख मांग रहे हैं, कल सभी कर्मचारी बोलेंगे कि हमारे, देखिए कर्मचारी कोई ऐसे नहीं बोलता, कर्मचारी अपनी हमेशा अपने जो ड्यूटी वो करता है या जितने उसका मानदेय या जितने उसका बनता है उतने लिए मांगता है। एक सरकारी कर्मचारी को इस तरीके का मांग नहीं है, कोई अलग से कोई इस तरीके का मांग उठाए हुआ है, वो हमेशा एक दायरे में रह के जो कर्मचारी है सरकारी कर्मचारी वो दायरे में रह के कहता है। घोषणाएं तो इनकी खुद इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं थी, तो आज कहाँ है, साथ वेतन में इतना डंडोर है, उन्होंने पीटीआई उनको डबल कर दी, तनख्वाह फलाना कर दी डिगड़े, ऊपर से कर्मचारियों का तो ये था कि विभागों में कर्मचारी नहीं है, आप पक्की भर्ती करो, कहीं ना कहीं कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, ये पक्का करने की बजाय एच के आर एन आपके बीच में ले आए एक प्रकार का धोखा, कहीं ना कहीं कितना बड़ा धोखा इसमें। तो इन तमाम मांगों को लेकर आज सौ कर्मचारी संघ मिनिस्टर स्टाफ एसोसिएशन पहुंचा है और ये कहता है सीधे तौर पे चेतावनी है, अगर 35400 की मांग को लेकर सरकार बुलाती है ठीक, नहीं तो बुधवार से पूर्णतः हड़ताल चार दिन की घोषित हड़ताल पे चले जाएंगे कलर्क, और ये हड़ताल अनिश्चितकालीन भी हो सकती है, वो इसकी तमाम जिम्मेवारी सरकार की रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आज ज्ञापन सौंपा जाएगा? बिल्कुल, आज ज्ञापन भी है और नोटिस भी है, दोनों है। किनके नाम सौंपा जाएगा? ये मुख्यमंत्री के नाम है और कहीं ना कहीं अब यहाँ जो जो भी आएंगे हमारे बीच में उनके माध्यम से हम देना जा रहे हैं और ये मांग हमारे बीच में तुरंत लागू संतरण के लिए।
तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से तमाम जो कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर जिला सचिवालय में पहुंचे और आज जो है मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। तो आप देख ही सकते हैं कि तमाम जो कर्मचारी पहुंचे हैं और जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हुई है, तस्वीरों में आप देख ही सकते हैं। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल से बने रहे। इसी